तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तापीय साम्य क्या होता है और तापीय साम्य के बाद में हम लोग बच्चा ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम की बात करेंगे, मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम, और उसके बाद में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हम लोग बात करेंगे। तो बच्चा देखिए ये तापीय साम्य क्या होता है। तो देखिए इस नियम के अनुसार कि अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी हैं, या यूं कहो परस्पर संपर्क में रखी हैं, और उनमें ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, तब हम ये कहेंगे कि ये दोनों किसमें है, तापीय साम्य में है। किसमें है बच्चा, तापीय साम्य में है। अब तुमको डेफिनेशन से समझ नहीं आ रहा होगा, तो देखिए सबसे पहले इसको हम समझते हैं बच्चा, उसके बाद में डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। तो देखिएगा लाल, हमने कहा अपने पास कोई दो वस्तुएं हैं, एक पहली है ए और दूसरी लाल मेरा क्या है बी है, दो वस्तुएं ए और बी है, और ए का जो हमने कहा टेम्परेचर है वो अधिक है, ए का दिया टेम्परेचर क्या है अधिक है, वस्तु ए का टेम्परेचर अधिक है, जबकि वस्तु बी का जो टेम्परेचर है वो ए के कंपेयर में यानी कि ए की तुलना में बच्चा क्या है कम है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो कहां उच्च से निम्न की ओर होता है, कहां होता है लाल मेरा उच्च से निम्न की ओर, तो यहां देखो क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर ए का अधिक है हमने कहा और बी का क्या है यहां पर कम है, तो जो ऊष्मा का प्रवाह होगा वो ए से कहां होगा बी की ओर होगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, क्या बराबर ना हो जाए, और धीरे धीरे जब ये बराबर हो जाएंगे तब इनमें ऊष्मा को कोई आदान प्रदान नहीं होगा, कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं क्या कि इस प्रकार ये हम कहेंगे कि ए का बी में कोई ऊष्मा का आदान प्रदान या बी का ए में कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, इसका मतलब ए और बी परस्पर तापीय साम्य में है, ए और बी बच्चा क्या है परस्पर तापीय साम्य में है। तो देखिए वही तो हमने लिखा है कि यदि किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखे, तो हमने ए और बी को क्या किया बच्चा परस्पर संपर्क में रखा, ए का टेम्परेचर ज्यादा है और बी का ए के कंपेयर में टेम्परेचर कम है, तो उनमें क्या होता है गर्म से ठंडे की ओर ऊष्मा का प्रवाह होगा या कहो आदान प्रदान होगा, तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, और जब दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे अब कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो क्या कि यदि किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखे या रखने पर उनके बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान ना हो, तो देखा जब टेम्परेचर एक जैसे हो गए तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तब ये वस्तुएं या तब वे वस्तुएं परस्पर तापीय साम्य में होंगी। तो अभी बच्चा हमने कहा जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तब हम ये कह सकते हैं कि ये ए वस्तु ए और बी परस्पर क्या है तापीय साम्य में है या तापीय साम्य में कहलाती हैं। तो ये बच्चा था हमारा तापीय साम्य मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद में हम देखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम, दैट इज मीन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए बच्चा ये क्या बोलता है, तो ये कहता है कि अगर अपने पास कोई दो वस्तुएं हैं, हमने कहा बच्चा कोई दो वस्तुएं हैं ए और बी, हमने कहा ये वस्तु ए है और ये डियर क्या है वस्तु बी है, और इनको एक रुद्धोष्म दीवार द्वारा पृथक किया गया है, मीन्स ए को बी में बांट दिया गया है एक रुद्धोष्म दीवार द्वारा, ये बच्चा आपकी कैसी है रुद्धोष्म दीवार है, ये डियर कैसी दीवार है रुद्धोष्म दीवार, और अब इन दोनों के संपर्क में कोई तीसरी वस्तु सी लाते हैं, हमने कहा ये कोई तीसरी वस्तु हम ले आए सी है, क्या है बच्चा मेरा सी है,
और ये जो सी की दीवार है ये कैसी है, ये सुचालक दीवार है। ये बच्चा कैसी दीवार है, सुचालक दीवार है। तो अब आप देखेंगे भाई ए और बी के बीच तो रुद्धोष्म दीवार लगी है, तो इसका इधर तो ऊष्मा का प्रवाह अभी होगा नहीं, मीन्स कोई भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर बच्चा देखोगे सी सी के मध्य कौन सी लगी है, सुचालक दीवार। अब सोचने के लिए, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, हमने कहा इसमें 20 डिग्री सेल्सियस वाला है भरा, इसमें 50 डिग्री सेल्सियस वाला है, और इसमें है 5 डिग्री सेल्सियस वाला। तो अब देखोगे बच्चा ये तो सुचालक दीवार है, तो 50 डिग्री सेल्सियस से भी इधर भी उसमें ट्रांसफर होगी और इधर भी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। और ए और बी सी में लगातार ट्रांसफर होते रहेंगे, तब तक ट्रांसफर होते रहेंगे कब तक, जब तक कि क्या होंगे, ए बी और सी दोनों समान टेम्परेचर नहीं आ जाएंगे। कैसे, 50 से 5 की ओर जा तो रहा है, लेकिन इसका अभी इसका 20 है, इसका 50, इसका कितना है 5, तो 20 से 5 में ट्रांसफर होगा, और 50 से किस में बच्चा होगा, 50 से 5 में ट्रांसफर होगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक, इधर देखो ये 20 डिग्री सेल्सियस वाला जो है इसमें क्या करेगा, ट्रांसफर, इधर 50 ट्रांसफर करेगा, और ये 20 वाला तब तक करता रहेगा जब तक इसका 20 नहीं होगा। लेकिन जैसे इसका 20 डिग्री हो जाएगा, अब ये इसमें ट्रांसफर करने लगेगा, ठीक है, और धीरे धीरे ट्रांसफर होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि ए बी और सी तीन के तीनों का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, एक जैसा। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए और बी क्या होंगे, परस्पर तापीय साम्य में होंगे। ए और सी के साथ भी, यानी कि ए और सी परस्पर तापीय साम्य में होगा, बी और सी भी परस्पर तापीय साम्य में होगा, या कहो सी और ए जैसा आप चाहो, ये परस्पर बच्चा किसमें हो जाएंगे, तापीय साम्य में होंगे। ये अवधारणा जो थी 1931 में आरएफ फाउलर ने सबसे पहले दी थी। बच्चा किसने, वो समय कौन सा था, 1931, नाम क्या था, आर एच फाउलर। हमने क्या कहा बच्चा, आर एच फाउलर, आर एच फाउलर वैज्ञानिक। तो ये अवधारणा 1931 में किसने दी थी, वैज्ञानिक आर एच फाउलर ने। तो देखिए वही बच्चा हमने लिख भी रखा है क्या, कि इस नियम के अनुसार, या कहो ऊष्मा गति की के शून्यांकी नियमानुसार, ये लिख देना थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, कि सीधे इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हैं तो वे परस्पर तापीय साम्य में होंगे। यही तो बच्चा हमने लिखा है कि दो निकाय अगर क्या है, तापीय साम्य में है तो वो क्या होंगे, तो वे परस्पर भी तापीय साम्य में होंगे, ठीक है। तो बच्चा ये हमारा तापीय साम्य हो गया, और इसके बाद में ऊष्मा गति का शून्यांकी नियम हो गया। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पढ़ाई के साथ साथ बाकी पढ़ा देते हैं, बट नोट्स वाली कोई व्यवस्था नहीं है। और बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।